वॉर्म हेलो टू ऑल द लर्नर्स ऑफ मैथमेटिक्स मैथ्स डर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है आज। और इस लेक्चर में हम क्लास 11th की एनसीईआरटी के जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी तक बहुत सारी बेसिक चीज़ें हम पिछले 4 लेक्चर्स में देख चुके हैं, आर्ग्यूमेंट, मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। तो आप प्रीवियस वीडियो सारे पहले देख लें, उसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये वीडियो है, क्योंकि मैंने इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं और हिंदी में भी आपको ये क्वेश्चन दिख रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जितने भी ये क्वेश्चन हैं सबको ए प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है। ए प्लस आई बी मतलब ए जहाँ पे उसका रियल पार्ट होगा और बी जो है उसका इमेजिनरी पार्ट होगा। क्लियर? तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 5i × -3/5i। बेसिक सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, -3/5i, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, -3i × i क्या हो गया, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और ये कितना आ जाएगा, +3। फिर तो ये हमारा फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन इज i^9 + i^19। ये भी मैंने आपको बताया था कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। i^9 कैन बी रिटन एज i^8 × i, i^19 को हम लिख सकते हैं i^18 × i, i^8 को मैं लिख सकता हूँ i²^4 इंटू आई, i^18 को मैं लिख सकता हूँ i²^9 × i, i²^4, -1/4 कितना होगा, -1/4 × i, -1/9 × i, -1/4 + 1, और +1 × i करेंगे तो i आएगा, और -1/9 करेंगे तो माइनस आएगा, और ये -i आ जाएगा, और i से i कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 0। और 0 को मैं 0 + 0i भी लिख सकता हूँ अगर आपको a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना ही है तो, अदरवाइज 0 में भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया सेकंड क्वेश्चन का। आई होप ये दोनों सॉल्यूशन आपको बड़े इजीली समझ में आए होंगे, क्योंकि हम बेसिक जो है पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। नेक्स्ट, i^-39, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/i^39, और 1/i^39 को मैं लिख सकता हूँ 38 × i, और i^38 को मैं लिख सकता हूँ i^2/19 × i, तो ये हो जाएगा -1/19 × i, -1/19 कितना होगा, ये होगा -1, तो ये आ जाएगा -1/i, माइनस मैंने ऊपर कर दिया। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करना है, ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर दो आप, ऊपर नीचे i से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो i आएगा, नीचे क्या आएगा, i × i, i², i² की वैल्यू -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का i, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा ये सॉल्यूशन भी। ये थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3
सेवन प्लस आयोटा सेवन प्लस आयोटा सेवन प्लस आयोटा सेवन, ठीक है। तो ये सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 प्लस आयोटा 21, आई अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई सेवन और आई स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, आई स्क्वायर माइनस वन होता है तो माइनस सेवन। तो 21 माइनस सेवन एक साथ मैंने आपको बताया था, एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ। और ऐसे ही आई 21 प्लस सेवन, इसको और इसको एक साथ, आई मैंने कॉमन ले लिया, ये 21 माइनस सेवन कितना हो जाएगा 14, और 21 प्लस सेवन कितना हो गया 28। तो ये ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जहाँ पे ए क्या है 14 और बी क्या है 28, ठीक है। ये हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वन माइनस आई माइनस माइनस वन प्लस आई सिक्स, वन माइनस आई माइनस माइनस प्लस माइनस आई सिक्स, अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। अब रियल पार्ट के साथ आएगा, इन दोनों में हम देख रहे हैं कि माइनस आई कॉमन आ रहा है, अगर माइनस आई कॉमन आता है तो अंदर क्या बचेगा, देखिए आप, यहाँ बचेगा वन, इसमें वन बचेगा और इसमें बचेगा सिक्स, वन प्लस वन टू माइनस आई सेवन। तो इसको भी ए प्लस आई बी के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, जहाँ पे ए टू है और बी जो है माइनस का सेवन होगा, ठीक है। इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, वन अपॉन फाइव प्लस आयोटा टू अपॉन फाइव माइनस फोर प्लस आई फाइव बाय टू, वन अपॉन फाइव प्लस आयोटा टू अपॉन फाइव माइनस फोर माइनस आयोटा फाइव बाय टू। तो इजीली समझ में आ ही रहा होगा, रियल पार्ट के साथ वन अपॉन फाइव माइनस फोर प्लस आयोटा टू अपॉन फाइव माइनस फाइव बाय टू। एलसीएम लेते हैं, फाइव वन माइनस कितना आ जाएगा 20 प्लस आयोटा, इन दोनों का एलसीएम हो गया 10, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 25, वन माइनस 20 माइनस 19 और 4 माइनस 25 माइनस 21 अपॉन 10, क्लियर। ये भी बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एलसीएम वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, तो आसान से क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है काफी, क्वेश्चन वन बाय थ्री प्लस आई सेवन बाई थ्री प्लस फोर प्लस आई वन बाई थ्री माइनस माइनस फोर बाई थ्री प्लस आई, ठीक है। पहले ब्रैकेट वाला जो टर्म है इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, थोड़ा आसान हो जाएगा। वन बाई थ्री ये और फोर एक साथ ऐड हो जाएगा, प्लस आयोटा सेवन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री एक साथ, माइनस माइनस फोर बाई थ्री प्लस आयोटा, इसका एलसीएम आ जाएगा थ्री, वन प्लस थ्री फोर जा 12 प्लस थ्री एलसीएम सेवन प्लस वन माइनस फोर बाई थ्री प्लस आयोटा, ये हो जाएगा आपका 12 प्लस वन 13 अपॉन थ्री प्लस आयोटा 8 बाय थ्री, ठीक है। ये और ये एक साथ हो गए, अब बाहर जो है इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं इसका,
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/3 और ये माइनस आई हो जाएगा। फिर से रियल पार्ट के साथ 13/3 प्लस 4/3 प्लस आई 8/3 माइनस 1। क्लियर? 13/3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 17/3 प्लस आयोटा, इसका 3 एलसीएम आएगा, 8 माइनस 3 कितना हो गया? 5/3। ठीक है, ये रियल पार्ट हो गया इसका, ये इमेजिनरी पार्ट। आई होप समझ में आया होगा ये सॉल्यूशन भी आपको। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4 है, और 4 पावर को हमको या तो बाइनोमियल से एक्सपेंड करना पड़ेगा, और अगर आप लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन अभी नहीं जानते हैं तो हमारे पास एक तरीका और भी है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस आयोटा की पावर 2 की पावर 2, देख सकते हैं। पहले अंदर वाली पावर को सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी की होल पावर 2 हो जाएगा। 1 I² की वैल्यू -1 और -2 iota की पावर 2। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? -2 iota की पावर 2। तो इसको हम लिख सकते हैं -2 की पावर 2 और आयोटा की पावर 2। -2 की पावर 2 कितना हो गया? +4। I² की वैल्यू -1 कितना आ गया? -4। देखिए कितना आसान क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें होल पावर 3 है, ये तो आसान ही है। ए प्लस बी का होल क्यूब आप लोग जानते ही हैं, तो ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला इसमें लगेगा और आसानी से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 1/3 प्लस 3 I का होल क्यूब क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 A² बी प्लस 3 AB² 1/27। I क्यूब की वैल्यू मैंने बताया था आपको निकालना, क्या होता है? -I, ये -3 iota हो जाएगा। प्लस इसमें 3 से 1 पावर इसकी कैंसिल होगी, तो 1 3 और बचेगा और वो 3 इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ आएगा आयोटा। प्लस यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर 9, आई का स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, ये नेगेटिव आ गया। अब 1/27 -9 एक साथ, इससे माइनस कॉमन ले लिया, 3 -1 आयोटा एक साथ। अब इसको आपको सॉल्व करना आता ही है, इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करना और इसको माइनस कर देना, वो आपका इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन आपके लिए भी छोड़ी जा रही है, सिंपल सी कैलकुलेशन। आपको सॉल्यूशन समझ में आए या नहीं आए एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, -2 -1/3 आयोटा का होल क्यूब। इसमें भी बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, लेकिन पहले मैं क्या करता हूँ, इसका माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ। माइनस कॉमन लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, -2 + 1/3 आयोटा का होल क्यूब, और माइनस का क्यूब करते हैं तो माइनस में ही आता है, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर 2 + 1/3 का होल क्यूब। अब इसके आगे का पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 की तरह हो जाएगा, इसमें ए प्लस बी का होल क्यूब लगेगा। आगे से बाहर से माइनस है तो वो कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगा नहीं, पूरा एज इट इज जैसे 9th में हमने सॉल्यूशन किया था वैसे ही इसको सॉल्व करना है। लास्ट में जो आंसर आ जाएगा उस आंसर को बाहर से जो माइनस है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए, इनके सॉल्यूशन समझ में आए या नहीं आए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके आगे के लेक्चर्स में हम आगे के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे और आगे के टॉपिक्स भी धीरे धीरे करके करते रहेंगे।